सुचिता और भारत माता की सुचिता हमेशा कायम रहे। पटेल साहब क्या कहेंगे? हमारे वरिष्ठ साथी हैं सम्माननीय योगेश यादव जी, पूरे सम्मान के साथ मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि शाहिद भाई एक वर्ग विशेष के हैं इसलिए उनका टिकट क्यों काट दिया। मैंने तो ये कहा कि ऐसे जनाधार वाले नेता जो तीन तीन चार चार बार से पार्षद बने, ठीक है, लगातार ठीक है, उसका नाम आ रहा है। रही बात आपने इंदौर की कही, तो मैं थोड़ा आपको सुधार कर दूं। योग्यता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, विनिंग कैंडिडेट को टिकट देती है। और जहां तक अल्पसंख्यक भाई की आपने बात की, तो वार्ड क्रमांक 73 आप लिस्ट देखेंगे, 73 मारिया महू वाला, ये हमारी बहन है, बोरा समाज की है और अल्पसंख्यक समाज के आदमी, इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को कहीं दिया या नहीं देने का कुछ तय किया। यहाँ जिस प्रकार की जब राजनीतिक क्षेत्र में जब इलेक्शन आते हैं, तो वहाँ जहाँ विनिंग कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है, कैंडिडेट को टिकट दिया है। चलिए मैं आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, समय की कमी है। मनीष जी देखिए, अभी तो सेमीफाइनल है सत्ता का, और उसमें दो ही पार्टियों की बात करूं, एक एक वार्ड की बात कर लूं, वहां पर पांच पांच दावेदार हैं, लेकिन अभी तो ये सेमीफाइनल है, फाइनल में क्या होगा सर? हालांकि संगठन मजबूत होता है, कार्यकर्ता अगर संगठन की सुनते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो अंतिम फैसला उनके लिए होता है, लेकिन अभी वक्त है, लेकिन सेमीफाइनल में संकेत क्या मिल रहे हैं मनीष जी? जी मैं आप मेरे को सुन पा रहे हैं जी? बोलिए जी। मेरा ये कहना है कि अभी जो बार बार ये दुहाई दी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बार संगठन जो तय कर लेता है, सारे कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से उस प्रत्याशी को जिताने में जुट जाते हैं, ठीक है, ये था साहब, ये है नहीं। अब तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं की भी मनोकामनाएं हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको भी समाज उलाहने देता है कि क्यों भैया 30 साल से आप कार्यकर्ता हो, पद कब मिलेगा? उसके परिवार के लोग भी बोलते हैं, रिश्ते नातेदार भी बोलते हैं, इस चीज की चिंता पार्टी अगर संगठन अगर करे तो मुझे लगता है कि ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता वाली बात देव दुर्लभ तक रहेगी, ठीक है। अन्यथा आप ये मान के चलिए कि कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता और जिताता है। कांग्रेस कहाँ देखती है अपने आप को? कांग्रेस कहाँ देखती है? देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, तो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में क्या देश स्तर पर मुझे नहीं लगता कि खोने के लिए कुछ बचा है, जो कुछ भी है पाने के लिए है, ठीक है। तो कांग्रेस के साथ तो ऐसा है कि कमलनाथ जी ने जो अपनी रीति नीति बनाई, उसमें उन्होंने शपथ पत्र करके और सब करके पहले ही वैचारिक तौर पे लोगों को बांधने की कोशिश कर ली कि भैया इधर उधर मत होना, आपको मैं दे रहा हूँ, और उनने जिम्मेदारी भी दे दी नेताओं को कि जिसने भी टिकट की पैरवी की अगर उसकी पैरवी से आ रहा है तो उस नेता का पूरा रिपोर्ट कार्ड रहेगा। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर कई इलाकों में विकल्प की तलाश में जिन इलाकों में लोग हैं, ठीक है, वहां पर अब विकल्प कौन बनेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी चुनौतियां कम नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि कुनबा बढ़ चुका है और अलग अलग विचारों से आकर के जब एक समुद्र बनता है तो उसमें मंथन हुए बगैर अगर चयन होगा तो फिर ये देखना, जैसा मैंने कहा, असली नकली फसली तीन तरह की प्रजातियां हैं। अब उसमें आपने किस किस को चुना है ये नतीजे के बाद पता लगेगा कि आपका नतीजा कैसा आता है। अगर आपने अपने चयन में असली को पूरी तरह से तवज्जो दी होगी, नकली और फसली से परहेज किया होगा, ठीक है, ठीक, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो बना रहेगा, ग्वालियर में भी बना रहेगा 40 साल पुराना, और मध्य प्रदेश के स्तर पर भी आपका परचम लहरा सकता है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि आक्रोश, अनदेखी, नाराजगी ये दोनों ही दलों में अपने अपने स्तर पर व्याप्त है, कहीं प्रतिशत ज्यादा है, कहीं प्रतिशत कम है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीएन मनीष जी, योगेश यादव जी, पटेल साहब, तीनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। तो निश्चित तौर पर बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, पार्षद पद के जो प्रत्याशी थे, जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके सुर दोनों ही दलों से निकलकर सामने आए, लेकिन अंतिम फैसला जनता करती है। सत्ता के सेमीफाइनल में कौन बाजी मारेगा इसका फैसला मतदाता करेगा, लेकिन ये सेमीफाइनल है, इसके बाद फाइनल होगा मध्य प्रदेश का, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, डीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं, नमस्कार।